वेलकम स्टूडेंट्स इन द लास्ट कपल ऑफ क्लासेस वी टॉक्ड अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ डिफरेंट थ्योरीज जो थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया और लास्ट में हमने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जिसे ऑपरिन और हेल्डन ने दिया और स्टैनले मिलर ने जिसे प्रूव किया है हमने उस थ्योरी को पढ़ लिया है केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी और बाद में हमने ये भी देखा कि पहले लिविंग सेल बनी किस तरह उसमें मेटाबॉलिज्म का इवोल्यूशन हुआ ये सारी चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं और अभी अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सो फार इन द प्रोसेस ऑफ दिस चैप्टर इवोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने ये पढ़ लिया है कि पहला लिविंग सेल बन चुका है नाउ द क्वेश्चन है कि उस पहले लिविंग सेल से आगे के जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं फंजाई है आज जो प्रेजेंट डे हमारे पास जितनी भी तरह की स्पीशीज़ है ये सब उस फर्स्ट लिविंग सेल से कैसे बनी बट द पॉइंट इज़ दैट वो हमारा पूरा एक मैकेनिज़्म रहेगा इवोल्यूशन का उससे पहले हमारे पास एक पार्ट हमें यहाँ पे यह भी पढ़ना है एविडेंसेज इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन क्योंकि जब हम आगे जाके थ्योरीज एक्सप्लेन करेंगे इवोल्यूशन की मैकेनिज़म एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हमें जो नॉन साइंटिफिक वर्ल्ड के लोग हैं उन्हें ये बताना जरूरी है उन्हें ये एविडेंसेस देना जरूरी है कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है देन वी विल कम टू द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज़ दैट क्लियर सो जो एविडेंसेस हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन वो हमारे पास मेजर एविडेंसेस रहेंगे पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस इन द सेंस एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स दूसरे फिर हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस यानी जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं और जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं वो दोनों इसी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस वाले पार्ट में इंक्लूड करेंगे फिर हम आपने पहले पढ़ चुके हैं होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में आप जानते हैं कि जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं पर ऑरिजिन डिफरेंट होता है उन्हें एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं जिनका ऑरिजिन सेम होता है फंक्शन डिफरेंट होता है उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं लेकिन इन होमोलोगस ऑर्गन का इवोल्यूशन से क्या लेना देना हाउ दे प्रूव दैट इवोल्यूशन हैज़ अकर्ड ये सारा पार्ट हम इस चैप्टर में इस कवर करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स से भी, के बारे में भी आप जानते हैं लेकिन है, है बताऊंगा आपको सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर उसे हम एटाविज्म कहते हैं फिर हम कुछ एविडेंसेस फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से भी स्टडी uh, करेंगे बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड द थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी हमारे इस अर्थ पर किस तरह के अलग अलग एरिया बने हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे बड़ा ही मज़ेदार है ये अल्फ्रेड रेसल वैलेस ने पूरे अर्थ को कुछ अलग अलग रियल में डिवाइड किया है बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ हम एमरोलॉजिकल एविडेंसेज की भी बात करेंगे और टेक्सोनोमिकल एविडेंसेज की भी बात करेंगे लेट्स बिगिन विद द पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस मीन्स एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स पेलियटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब हुआ एविडेंसेस फ्राम फॉसल रिकॉर्ड्स या जो फॉसल्स की स्टडी करते हैं वहाँ से जो हमें एविडेंसेज मिलेंगे उन्हें हम पेलियोटोलॉजिकल एविडेंसेज कहेंगे बच्चों हमारे पास कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर पेलियनटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसल्स और ये जो पेलियोटोलॉजी है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि फॉसल्स प्लांट्स के भी हो सकते हैं एनिमल्स के भी हो सकते हैं तो हमारे पास पेलियोबॉटनी और पेलियोजोलॉजी है पेलियोबॉटनी में हम प्लांट फॉसिल्स की स्टडी करते हैं पेलियोजोलॉजी में हम एनिमल फॉसिल्स की स्टडी करते हैं फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी जो हैं वो लियोनार्ड द फिंसी रहे हैं और इंडिया में जो एक फेमस हमारे साइंटिस्ट हुए हैं पेलेंटोलॉजिस्ट हुए हैं उनका नाम है बिरबल सहानी अ फेमस इंडियन पेलेंटोलॉजिस्ट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज वाट इज अ फॉसिल तो बच्चों जो फॉसिल होता है ये जो वर्ड आया है हमारे पास फॉसिल ये वर्ड फॉसिल फोसा से आया है एंड यू नो फोसा का मतलब क्या होता है एक कोई खड्डा या एक कोई पिट जो होता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फोसा आपको याद होगा जो एनिमल्स बरोइंग होते हैं बिल बना के रहते हैं खड्डे खोदते हैं बिल बनाते हैं उनके अंदर रहते हैं उन एनिमल्स को हम फोसोरियल एनिमल्स कहते हैं तो ये जो वर्ड फोसा है ये किसी पिट से आया है और अगर हिंदी में बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो वर्ड आया है ये किसी गड्ढे से आया है लाइक like पिट का मतलब होता है तो हमारे पास ये वर्ड फॉसिल्स हमेशा जमीन की खुदाई करेंगे तो खड्डों से ही मिलेंगे एंड डेट्स वाई फॉसिल्स आर कोल्ड एस ये वर्ड जो है वहाँ से आया है फॉसिल से आया है अब डेफिनेशन इसमें बड़ी सिंपल है इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज़म्स फाउंड इन रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स आई रिपीट इम्प्रेशन ऑफ़ पास्ट ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स मतलब जो पास्ट पुराने एनिमल्स रहे हैं उनके जो रेमिनेंट्स हैं कुछ उनके पार्ट इम्प्रेशंस बच्चे रहते हैं उनमें जो हमें काफ़ी सालों बाद हम उनको रिक्रूट करते हैं वहाँ हमें दिखाई देते हैं खड्डों में उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं तो ये बड़ी एक सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन रॉक्स आर कॉल्ड फॉसल्स तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ एक और पॉइंट है एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कई बार कि फॉसिल्स हमें किस तरह की रॉक्स में मिलते हैं तो आपने जरूर सुना होगा कि रॉक्स जो होती है चट्टानें जो होती है वो बेसिकली तीन तरह की होती है आपने अपनी लोअर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा जियोग्राफी वगैरह में एक होती है बच्चों हमारे पास सेडिमेंटरी रॉक्स दूसरी हमारे पास होती है इग्नियस रॉक्स इग्नियस रॉक्स और तीसरी जो होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है तो क्लियर होगा जो सैंड के डिपोजिशन से जो लेयर बनती जाती है और फिर उन लेयर्स के ऊपर प्रेशर के कारण जो रॉक्स बनती हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं और जब भी कभी कोई वॉलनिक इरप्शन होता है और उस इरप्शन में से जो लावा निकलता है जो मैग्मा निकलता है उससे जो रॉक्स बनती है उन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं एंड फाइनली uh, हमारे पास तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक के मॉडिफिकेशन से बनते हैं तो हमारे लिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट है बच्चों कि इस दोनों ही तरह की जो रॉक्स है इनमें हमें फॉसिल्स नहीं मिलेंगे फॉसिल्स आर फाउंड यही एक क्वेश्चन बनता है तो यही आप याद रखें फॉसिल्स आर फाउंड इन सैडिमेंट्री रॉक्स ओके नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फॉसिल्स कि फॉसिल्स कितनी तरह के होते हैं बच्चों ये हम थोड़ा सा सीख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स ओके तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बच्चों अनअल्टर्ड फॉसिल्स अनअल्टर्ड फॉसिल्स अनअल्टर्ड अनऑल्टर्ड में क्या होता है बच्चों कि जो एनिमल है ये किसी कोल्ड जो एरियाज होते हैं वहाँ इस तरह के एनिमल्स जो हमारी साइबेरिया या अलास्का या इस तरह के कोई एरिया हैं पोल्स पर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और हमेशा बर्फ़ जमी रहती है वहाँ अगर कोई एनिमल किसी की एनिमल की डेथ हो जाती है तो जब वो मरेगा तो मरने के बाद उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन नहीं होगा बॉडी बिल्कुल फ्रोज़न आइस में फ्रोज़न फॉर्म में प्रिजर्व हो जाएगी और आप बीस हज़ार साल पच्चीस हज़ार साल बाद भी कभी वहाँ जाएँ और खड्डा खोदें तो आइस में से आपको वो एनिमल एज सच बाहर निकलेगा मरा हुआ लेकिन बॉडी जो है उसकी पूरी प्रिजर्व हो जाती है इस तरह के फॉसिल्स को हम अनऑल्टर्ड फॉसिल्स कहते हैं आपने सुना भी होगा डिस्कवरी चैनल पर कुछ दो तीन चार सालों पहले भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन कुछ सालों पहले साइबेरिया में हमने एक वूली मेमथ जो होता है उसका एक फॉसिल वहाँ से निकाला था ऐसा माना जाता है कि ये जो वूली मेहमत हैं ये लगभग 25,000 हज़ार साल पहले (25,000 फाइव बैक ये एक्सटिंक्ट हो गए थे लेकिन एलिफेंट जैसे दिखाई देते हैं साइबेरिया में मिलते हैं वूली मेमथ कहते हैं मेरे पास इसका एक फोटोग्राफ है मैं आपको शो दिखाऊंगा कि ये इस तरह के हमारे पास ये एनिमल्स थे और आप देखिए कि ये तो हमने इसको रिक्रिएट किया है यहाँ हमारे पास दो ये दो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ और इनमें से ये तो हमारे पास उसका फॉसिल पड़ा हुआ है और ये हमने उसका रिक्रिएशन किया कि ये एग्जैक्टली exactly कैसे दिखते रहे होंगे तो फॉसिल जब हमने इसका निकाला था आप देखो इसके स्किन वगैरह ऑलमोस्ट काफ़ी पार्ट बॉडी का इंटैक्ट रहा है इस तरह के फॉसिल्स को हम अनअल्टर्ड अल्टर्ड, अल्टर्ड फॉसिल्स कहते हैं कहाँ मिला इसका एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वली महमद ये हमें इसका जो फॉसिल है वो साइबेरिया में मिला है आगे बढ़ते हैं बच्चों हम दूसरी तरह के जो फॉसिल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फॉसिल्स आर पेट्रीफाइड फॉसिल्स पेट्रीफाइड फॉसिल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल्स होते हैं बच्चों और बेसिकली यही हमारे मोस्ट कॉमन फॉसिल्स भी यही होते हैं जो सबसे ज़्यादा फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे पास ये पेट्रीफाइड फॉसिल्स ही होते हैं तो पेट्रीफाइड फॉसिल्स कैसे बनता है मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई वो किसी रिवर के शोर पर किनारे है सी शोर पे है या कहीं पर भी नदी के किनारे है एनिमल मर के मर गया है उसकी बॉडी ज़मीन पर गिर गई है और मरने के बाद क्या होगा कि उसके ऊपर सैंड जो है धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगती है और कई बार क्या होता है कि वहाँ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं या वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल नहीं है देखिए क्या होगा कि अगर वो एनिमल किसी ऐसी जगह पर मर के गिरा है जहाँ खूब सारे बैक्टीरिया हैं तो विद इन टू थ्री फोर फाइव डेज़ में उसकी जो बॉडी है वो पूरी डिकम्पोज हो जाएगी और खाली उसका स्केलेटन बचा रहेगा कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि जिस जगह वो मरा है जिस जगह घिरा है उसकी बॉडी इमिजिएटली कवर हो गई है काफ़ी सारी सैंड से कवर हो गई है और वहाँ अंदर हाई प्रेशर में कुछ बैक्टीरिया कम है तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि वो जो एनिमल होगा उसका डिकम्पोजिशन थोड़ा स्लो होगा और ऐसे में क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी बॉडी का उसकी स्किन उसका फ्लैश उसके मसल्स उसका ब्लड वर्कुलर सिस्टम जो है इन सभी चीज़ों का जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअल डीकम्पोजिशन होता है एट द सेम टाइम उस सराउंडिंग मीडिया में जो मिनरल्स हैं पानी में जो मिनरल्स होंगे वो मिनरल्स उसकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगते हैं तो बेसिकली एक्जैक्टली exactly होगा क्या कि वो जो एनिमल की बॉडी है वो ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाएगी मिनरल्स से और आपको उसकी पूरी बॉडी एच सच मिलेगी इन द सेंस एच सच से मेरा मतलब ओरिजिनल बॉडी का कोई पार्ट नहीं मिलेगा वो सारा ग्रेजुअली डिकम्पोज हुआ है पर उसका जो शेप है वो आपको वैसा का वैसा मिलेगा देखो मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए ये हमारे पास अब आप देखिए कि ये एक फॉसिल मिला हुआ है अब आप फील कर सकते हैं कि ये जो फॉसिल मैंने आपको यहाँ दिखाया ये तो पूरा पत्थर का बना हुआ है लग रहा है कि ये तो कोई स्टोन है पर आप शेप से ये भी तो पता लगा सकते हो कि हाँ नहीं ये जो है बेसिकली एक हमारे पास कोई फिश है जिसका इस तरह से फॉसिल हो बन गया है पेट्रिफिकेशन हो गया इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पेट्रिफिकेशन मींस बॉडी का मिनरलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे पूरी बॉडी में मिनरल डिपॉजिट हो रहे हैं और बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा एनिमल था उसका शेप मेंटेन रहता है अब देखो इस डायग्राम में देखो ये वाला जो एरिया आई का आप देख रहे हैं यहाँ अंदर आपको एक शैलो या खड्डा दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको लग रहा है कि अंदर कुछ है नहीं यहाँ मिनरलाइजेशन क्यों नहीं हुआ इसका सीधा सा रीज़न है बच्चों कि पॉसिबली ये जो पार्ट है इसका रैपिडली डिकम्पोजिशन हो गया और मिनरलाइजेशन का टाइम नहीं मिला लेकिन बाकी पूरी बॉडी में आपको जो है वहाँ मिनरलाइजेशन हुआ है क्योंकि उसका जो डिकम्पोजिशन हुआ होगा वो स्लो हुआ होगा अच्छा कई बार क्या होता है कि कोई एनिमल जैसे सैंड में गिर गया है तो गिरने के बाद क्या हुआ जो बॉडी पूरी उसका मसल्स है स्किन है लिगामेंट्स है टेंडन्स है हार्ट है दूसरे सॉफ्ट ऑर्गन्स है लीवर है इंटेस्टाइन है ये सारा डिकम्पोजिशन हो गया उनका क्योंकि वो ऐसे एरिया में ऐसी जगह पर गिरा है जहाँ खूब सारे बैक्टीरिया है तो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी बचेगा क्या वो उस, ऑब्वियसली उसमें उसकी बोन्स और टीथ वगैरह बचे रहेंगे तो ऐसे केस में फिर जो मिनरलाइजेशन होगा वो सिर्फ स्केलेटल सिस्टम का होगा और फ्यूचर में जब आप उसका स्केलेटन मिलेगा उसका फॉसिल मिलेगा तो फॉसिल आपको सिर्फ उसके स्केलेटल सिस्टम का मिलेगा और पूरी बॉडी का फॉसिलाइजेशन ऐसे केस में नहीं होता है तो दिस इज वॉट अबाउट पेट्रीफाइड फॉसिल्स इसमें एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं कि जो फॉसिल बन रहा है उस उस प्रोसेस को हम पेट्रीफिकेशन कहते हैं इज दैट क्लियर समझ में आया आप लोगों को और भी मेरे पास एक आध फोटोग्राफ होंगे पेट्रीफाइड फॉसिल का ये एक और है मेरे पास तो आप इसको देख सकते हैं देखिए ये पूरा के पूरा एनिमल जो है आपको एस सच दिखाई दे रहे हैं ये कुछ मोलस्कन्स हैं और आपको इनका पूरी बॉडी का शेप दिखाई दे रहा है ओके आगे बढ़ते हैं हम पेट्रीफाइड फॉसिल्स के बाद लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ फॉसिल्स एंड दीज आर मोल्ड फॉसिल्स एम ओ यू एल डी मोल्ड फॉसिल्स तो देखें बच्चों ये मोल्ड फॉसिल्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई एनिमल कहीं मरा है घिरा है और जैसे ही वो किसी पर्टिकुलर जगह पर गिरा है मरने के बाद क्या हुआ कि उसकी बॉडी का सोचिए लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन कि मान लो कोई एनिमल है वो सैंड में गिरा और सैंड में गिरने के बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर किसी ने थोड़ा सा पाँव रख दिया होगा या किसी ने प्रेशर डाला होगा तो उस गीली सैंड में मड में या कहीं पर भी उसका एक मोल्ड बन गया होगा यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेप क्रिएट हो गया देन उस फॉसिल के ऊपर भी मड गिर गई या सैंड गिर गई और वो जो फॉसिल है वो हमारा पूरा का पूरा उस सैंड के अंदर दब गया अब क्योंकि वहाँ पानी भी काफ़ी सारी क्वांटिटी में है और, और मान लीजिए बैक्टीरिया भी है तो होगा क्या कि जो धीरे धीरे बैक्टीरिया है वो उस एनिमल का अंदर का जितना भी पार्ट है वो सारा डिकम्पोज कर देंगे यानी एनिमल वहाँ से गायब ही हो जाएगा उसका कोई पार्ट नहीं बचा रहेगा कोई मिनरलाइजेशन नहीं होगा इस केस में लेकिन जब वो एनिमल वहाँ से बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा उसका सारा मटेरियल डिकम्पोज हो जाएगा पर उसका जो शेप है ना बच्चों वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा तो जब कभी आप उसको खोलेंगे इस ऐसी चट्टान को खोदेंगे तो पता चलेगा कि आपको सिर्फ उसकी बॉडी का एक्सटर्नल शेप पता चल रहा है एग्जैक्टली exactly एनिमल अंदर क्या था एनिमल का कोई मटेरियल नहीं पता चलता ऐसे फॉसिल्स को हम मोल्ड फॉसिल्स कहते हैं सो दीज आर बेसिकली इंप्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल

और उसका फॉसिलाइजेशन हो गया मोल्ड बन चुका है और उस मोल्ड में बाद में जब मिनरल्स डिपॉजिट होने लगते हैं तो जो मिनरल्स होंगे दे विल टेक द शेप ऑफ द एनिमल बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने अपने घरों में पीओपी की कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं पीओपी के प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ मटेरियल बनाते हैं मूर्तियाँ भी बनाते हैं हम उनसे तो क्या करते हैं बच्चों कि हम पहले एक मोल्ड लेते हैं और उस मोल्ड में हम बाद में पीओपी को जो है घोल के उसमें डाल देते हैं और पीओपी हार्ड हो जाती है तो आपको मूर्ति बन जाती है या कोई सा भी जो शेप है वो क्रिएट हो जाता है सिमिलरली अगर किसी एनिमल का कोई मोल्ड पड़ा हुआ है और उस मोल्ड में मिनरल्स के डिपोजिशन हो जाने के कारण वो जो मिनरल्स हैं दे विल टेक द शेप ऑफ द एनिमल एंड सच फॉसिल्स आर कॉल्ड एज कास्ट फॉसिल्स ये दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मिनरलाइजेशन मिनरल्स विच गेट फिल इन द मोल्ड तो हम यहाँ लिख देते हैं वैन मिनरल्स गेट फिल्ड इन द मोल्ड जो हमारा खाली मोल्ड होता है उस मोल्ड में जब ये फिल हो जाते हैं तो इस तरह के फॉसिल्स बन जाते हैं ओके okay, बच्चों तो कास्ट फॉसिल हो गए हमारे पास मोल्ड फॉसल्स हो गए दोनों एंड देन वी हैव प्रिंट फॉसिल्स देन वी हैव प्रिंट फॉसिल्स तो प्रिंट फॉसिल्स क्या होते हैं बेसिकली लीव्स होते हैं किसी के विंग्स होते हैं किसी एनिमल के स्किन होती है किसी का पतला वीक कोई स्टेम जैसा पार्ट है तो वो कभी गिर जाता है और उसके ऊपर सैंड डिपॉजिट हो जाती है और प्रेशर के कारण उसका एक प्रिंट बन जाता है तो ऐसे फॉसिल्स को हम प्रिंट फॉसिल्स कहते हैं जो नॉर्मली मेरे पास एक देखिए डेफिनेटली इसका होना चाहिए देखो ये भी है कई बार किसी एनिमल का पाँव गिरा हुआ ये दोनों हमारे पास प्रिंट फॉसिल के एग्जाम्पल है यहाँ देखिए ये आप ये कंप्लीट मिनरलाइजेशन कुछ हुआ नहीं है तो ऐसे में दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट फॉसिल्स ये देखिए तो यहाँ पर ये जो आपको डायनासोर जैसा एनिमल ये दिखाई दे रहा है या कोई दूसरा भी एनिमल हो सकता है नॉट नेसेसरी डायनासोर है पर इस तरह के जो फॉसिल्स बनते हैं दिज आर कॉल्ड प्रिंट फॉसिल्स यहाँ पे भी किसी पास्ट में होमोसेपियंस की कोई एनसेस्ट्रल स्पीशीज़ है और उसका ये हमें पाँव का इम्प्रेशन पड़ा हुआ मिला है तो दीज आर एज प्रिंट फॉसिल्स इसमें एनिमल का कोई पार्ट दिखाई नहीं देता है अच्छा एक और तरह के हमारे पास फॉसिल्स होते हैं बच्चों जिन्हें हम कोप्रोलाइट फॉसिल्स कहते हैं सिक्स कैटेगरी में आते हैं हम एंड देट आर कॉल्ड कोप्रोलाइट फॉसिल्स कोप्रोलाइट वैसे मैं आपको बता देता हूँ कोप्रो वर्ड है इसका मतलब फ़ीकल मैटर तो कई बार क्या होता है बच्चों की कुछ एनिमल्स का जो इंटस्टाइनल कंटेंट होता है उनका जो फीकल मैटर होता है डिफिकेशन जो करते हैं उस फीकल मैटर का भी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है और ग्रेजुअली उसका मिनरलाइजेशन हो जाता है एंड आफ्टर दैट मिनरलाइजेशन इट बिकम्स अ फॉसिल तो जो इंटस्टाइनल कंटेंट के फॉसिल्स होते हैं पर्टिकुलरली इंटस्टाइनल कंटेंट के जो फॉसिल्स होते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है इंटरसाइनल कंटेंट के फॉसिल से कि वो एनिमल उसकी डाइट कैसी रही होगी वो क्या क्या खाता रहा होगा क्योंकि उनकी इंटस्टाइन में कई बार उनके जो जिन एनिमल्स को उन्होंने खाए हैं उनके कुछ रिमेन, रिमेनिंग पार्ट्स भी उसमें दिखाई दे जाते हैं तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कोप्रोलाइट या इंटस्टाइनल कंटेंट जो जिनका उसमें पड़ा रहता है ऐसे फॉसिल्स को कहते हैं मेरे पास कुछ इसके भी एग्जांपल्स हैं ये देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारे पास किसी एनिमल का फीकल मैटर है और आप इसकी ये जो है ऐसा का ऐसा डिकम्पोज नहीं हुआ और मिनरलाइजेशन से वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गया सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ फॉसिल्स बच्चों और जब हमने फॉसिल्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए हैं यहाँ से आपको कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा मैं जस्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए हम ये पार्ट स्टडी कर रहे हैं अब फॉसिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये बनता है बच्चों कि अगर आप फॉसिल्स की स्टडी करते हो तो हमें ये कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है तो बड़ा ही सिंपल सा है दो बस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका मैं आपको समझा देता हूँ उसको ध्यान से समझेंगे देखो बच्चों ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई एरिया है ये कोई ये ज़मीन है हमारे पास इसको एक मिनट फिर से ड्रॉ करते हैं ऐसे नहीं करते हैं। ये आपके पास कोई लैंड एरिया है और ये इसका पूरा अंदर का जो पोर्शन है ये पूरा उसका सॉइल वगैरह जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हो अंदर की ओर आपको रॉक्स वगैरह और सब कुछ मिलेगी बच्चों आजकल हमारे पास कुछ इस तरह की टेक्निक्स है उस टेक्निक से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो रॉक है ये जो ज़मीन है इसमें गहराई में जो पोर्शंस हैं वो कितने साल पुराने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं हम उसको उस कार्बन डेटिंग मेथड से या और भी दूसरे रेडियोएक्टिव मटेरियल की प्रेजेंस से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर ये कोई हमारे पास रॉक है तो इसकी एज कितनी है तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसका एक ब्लॉक काट के बाहर निकालें या चलो बाहर नहीं भी निकालें और आप इसकी सिर्फ जो है उसको खोदना शुरू करें तो यू विल फाइंड कि जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे ऑब्वियसली ये हमारी ओल्डर रॉक के नीचे की तरफ और ये वाला ऊपर का जो पोर्शन होगा ये उसका न्यूअर पोर्शन होगा द पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप ओल्डर एरिया में जाते हो तो यहाँ पर जो आपको फॉसिल्स मिलेंगे यहाँ पर जो आपको फॉसिल्स मिलेंगे वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स के होंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होगी और यहाँ ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो मे बी पॉसिबल आपको अभी नहीं मिलेंगे थोड़ा ऊपर जाएंगे और इस जगह पर आपको अगर कुछ फॉसिल्स मिल रहे हैं तो यू विल फाइंड दैट दिस फॉसिल्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स आपको यहाँ मिलेंगे तो इस तरह से ये यहीं से प्रूव हो जाता है कि जब हम डिफरेंट एरिया में फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो ओल्डर रॉक्स में हमको सिंपलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और न्यूअर रॉक्स में हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिलते हैं एक पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना ये पहले मैं पहला पॉइंट लिख लेता हूं कि ओल्डर रॉक्स होगी तो वहां पर सिंपल ऑर्गेनिजम के फॉसिल्स मिलेंगे फॉसिल्स मिलेंगे और जो न्यूअर रॉक्स होगी पर्टिकुलरली उनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स के फॉसिल्स मिलेंगे एक बात दूसरी बात बच्चों ये जो आपका बीच का एरिया है यहाँ पे अगर आप फॉसिल्स की स्टडी करते हो तो इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिलें जिनमें नीचे वाले एनिमल्स के कैरेक्टर भी हों और ऊपर वाले एनिमल के कैरेक्टर भी हों यानी यहाँ पर आपको कनेक्टिंग लिंक्स जो होते हैं उनके फॉसिल्स भी मिलेंगे तो आपके पास एक पूरी कहानी तैयार हो जाती है एक पूरी स्टोरी तैयार हो जाती है कि पहले एनिमल्स कैसे रहे होंगे उनमें धीरे धीरे क्या चेंजेस आए और प्रेजेंटली वो आज किस तरह के एनिमल्स में कन्वर्ट हुए तो जो हॉर्स मैं आपको पढ़ूँगा जैसे आर्क्य है हमने हॉर्स का इवोल्यूशन कैसा हुआ है उसकी भी हमारे पास पूरी एक पैडिग्री है हमने उसका पूरा एनालिसिस किया है वो भी हमें पता चल चुका है तो ये जो चीज़ें हैं हमें यहाँ से पता चलती है फॉसिल रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि इवोल्यूशन हुआ है और बच्चों आप ध्यान रखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो फॉसिल रिकॉर्ड है दे प्रोवाइड मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये लाइन हम यहाँ लिख लेते हैं रेड कलर में लिख लेते हैं या आप ध्यान रखें दैट फॉसिल अगर ऐसे क्वेश्चन आए हम तो बहुत सारे फॉसिल एविडेंसेस पढ़ने वाले हैं मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया एनालोगस ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन दीज एंड एंड कई सारे हम एटाविजम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ेंगे लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन तो फॉसिल्स ही आपका आंसर रहेगा फॉसिल्स प्रोवाइड मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंसेज इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन इज दैट क्लियर बच्चों तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों आ, ये हमारा एक पार्ट हो गया कि वाट आर फोसेल्स कितनी तरह के फॉसिल्स होते हैं और फॉसिल्स की स्टडी करने से हमें इवोल्यूशन का कैसे पता चलता है आगे जाके हम दो एग्जाम्पल भी अभी फॉसिल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है हम यहाँ पे आ, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी आर्कियोप्टेरिक्स टेरिक्स और इसके अलावा वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ फॉसिल रिकॉर्ड से ही हमें पता चला इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स ये भी पढ़ेंगे बट दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू बच्चों आज इतना ही करेंगे